गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो माइक्रोबायोलॉजी का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कुछ अपने इसमें चैप्टर में दे रखे हैं कि इसके कुछ चैप्टर हैं सिलेबस में, वो कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें कई बार क्या दो चीज़ एक साथ पूछ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल दोनों पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें बहुत आसान है कि कार्बन कैसे मूवमेंट करता है और नाइट्रोजन कैसे मूवमेंट करता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे, या फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कार्बन साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन है, प्लांट के न्यूट्रिशन है जो सबसे मेन, जो बेसिक बॉडी बनाने में जो काम आता है ना, तो वो क्या आता है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आधारभूत जिनको बोलते हैं वो न्यूट्रिशन में है, या फिर आधारभूत जो पोषक तत्व होते हैं वही ये होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, तीनों जरूरी होते हैं यानी कि आवश्यक हैं, इनके बिना इनका पौधे का अस्तित्व भी नहीं होता। देखो ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव है उसमें सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बराबर रोल रहता है। तो कार्बन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी रचना में, ठीक है, कार्बन उसकी रचना में भी भाग लेता है और कार्बन उसका मेन पोषक तत्व है जिसके बिना उसका जीवन नहीं निकल सकता। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसकी वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। ठीक है, सल्फर जो है, सल्फर का क्या होता है कि सल्फर उसकी पोषक तत्वों की तरह काम में, न्यूट्रिशन की तरह, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में, वृद्धि विकास में भी उसका भी रोल रहता है। ठीक है, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी जैसे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जैसे सोइल में पड़ते हैं, तो उसी आधार पे इनको इंपॉर्टेंस दे रखी है कि इनका लाइफ साइकिल अपने पता होना चाहिए कि ये कैसे मूव करते हैं। ठीक है, देखो सोइल के अंदर अपने पढ़ते हैं CN रेशियो, ठीक है, CN रेशियो पढ़ते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि दोनों बैलेंस होने चाहिए, नेचर के अंदर भी बैलेंस होने चाहिए, नेचर में भी बैलेंस नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता है इससे। ठीक है, कार्बन बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है, कार्बन बैलेंस नहीं होने की वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, जल स्तर बढ़ेगा तो नुकसान ही करेगा, और इसी प्रकार से सोइल के अंदर भी क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बैलेंस होने चाहिए। अगर सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ नहीं होता तो नाइट्रोजन का उसके अंदर कोई यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो कार्बन और नाइट्रोजन, जब कार्बन बैलेंस नहीं होगा तो नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले पाएंगे, तो उसकी वृद्धि और विकास दोनों रुक जाएगा, तो वो सोइल फर्टाइल यानी कि फर्टिलिटी में नहीं काउंट होगी क्योंकि वो उसके अंदर CN रेशियो बैलेंस नहीं होता। तो दोनों चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो आज अपने कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे क्या होता है। देखो इसमें सिंपल सा है, थ्योरी तुम लोग लिख सकते हो अगर मैं तुम लोगों को डायग्राम से भी समझाऊं तो। ठीक है, तो थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसके अंदर, तो तुम लोगों को समझना है। मैं एक बार कार्बन के बारे में बता देता हूँ क्या है कि देखो साइकिल कोई भी चीज़ होता है ना, साइकिल का मतलब चेन ऑफ इवेंट्स होती है, साइकिल का मतलब चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं जब एक चेन के अंदर जुड़ जाती है तो वो साइकिल बन जाता है। तो अब कैसी क्या घटनाएं होंगी इसके अंदर जो कि एक चेन के अंदर जुड़ती है तो वो साइकिल बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इसमें कार्बन का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे गया, फिर वहाँ से वो कैसे वापस एनवायरनमेंट में आया, तो वो कैसे उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, या फिर किस फॉर्म में वो इन्वायरमेंट से सोइल में आता है, सोइल से वापस इन्वायरमेंट में जाता है, कैसे पौधों में जाता है, और कौन कौन उसके बीच में मीडिएटर के काम करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, इसका साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन में क्या है, देखो मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर द बेसिस फॉर द कार्बन साइकिल। ठीक है, ये इसका कार्बन साइकिल का बेस यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कार्बन कैसे मूव करता है। कार्बन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सब जीवों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन का देखो बेसिक बॉडी जो होती है यानी अपनी संरचना होती है तो वो कार्बन से बनी होगी। ठीक है, कार्बन इज प्रोड्यूस बाई बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का रोल रहता है उस घटना को एंथ्रोपोजेनिक बोल देते हैं। कोई भी सोर्स सॉरी कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन का रोल रहता है वो एंथ्रोपोजेनिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कार्बन इज फाउंड इन द एटमोसफेयर मोस्टली एज कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कि कार्बन का जो मेन सोर्स होता है वो क्या है, CO2। क्या है वो, CO2 गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म के बाद में अगर इसके साथ में हाइड्रोजन मिल जाए तो
तो हाइड्रोकार्बनिक बन गया, तो वो क्या हो जाएगा उसके अंदर जैसे कार्बनिक अम्ल बन जाता है, क्या बन जाएगा वो कार्बनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो ये उसके बाद में इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। कार्बन उसके बाद में आगे से आगे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कार्बोनेट अन्य साल्ट के साथ में मिलके अलग अलग प्रकार के वो इसमें साल्ट भी बना देता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मेन चीज़ क्या होगा, CO2, देखो CO2 जनरेट कैसे होती है, CO2 जनरेट कैसे होती है, अपने सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट भी क्या होता है, CO2 छोड़ता है ऑक्सीजन लेता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो उसका बराबर बैलेंस रखता है। प्लांट क्या करता है, बैलेंस रखता है, लेकिन अपने बैलेंस नहीं रखते, अपने क्या करते हैं CO2 छोड़ते भी हैं और जनरेट भी करते हैं फ्यूल का इग्निशन करने से, या फिर अपने क्या करेंगे जब कोई भी फ्यूल जो अपने प्राकृतिक जो संसाधन अपने जो मिले हैं ऊर्जा के संसाधन जो अपने डीजल पेट्रोल या फिर कोल जो भी है, तो उनका क्या करते हैं अपने दोहन करते हैं, यूज कर लिया, फिर उससे क्या करेगा वो जलेगा, तो जलेगा तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, ठीक है। तो जलने की क्रिया कौन सी भी हो सब में कार्बन निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया कि ये CO2 अपने जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। CO2 जनरेट कैसे करते हैं, वायुमंडल के अंदर CO2 एक फिक्स कंसंट्रेशन में होना चाहिए, ज़्यादा होने से क्या करता है कि वो तापमान को बढ़ा देता है, भूतापीय और भूगर्भिक तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अपने अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा तो उससे नुकसान होता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या, देखो एनिमल एंड प्लांट रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में सिंपल सी प्रोसेस है, CO2 डेवलप होगी होगी, ठीक है। When you exhale, you are placing carbon dioxide into the atmosphere. सीधी सी बात है, जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलती ही निकलती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो कि कहाँ कहाँ से बन गया, पहला सोर्स क्या हुआ, पहली चीज़ देखो CO2, CO2 क्या रेस्पिरेशन से निकलती निकलती है, और वैसे भी क्या अपने एटमॉस्फेयर के अंदर सभी गैसों का एक मिश्रण रहता है, तो उस मिश्रण के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन रहती है, वो क्या होता है सारी जितनी जैविक क्रियाएं जो भी होती है या अजैविक क्रियाएं होती है, तो सभी चीज़ों से जब वो CO2 जनरेट होती है वो कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी, तो वो एक फिक्स कंसंट्रेशन में रहती है, वो अपने पर डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। तो कार्बन इज फाउंड इन द लिथोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट रॉक, लिथोस्फेयर मतलब अपने धरातल के ऊपर जो कार्बन होता है ना वो किस में होता है, कार्बन की चट्टाने, देखो चट्टाने जो होती है उसके अंदर कार्बन होगा, ठीक है। खनिज जो भी होते हैं उनमें कार्बन होता है, तो कार्बन के बहुत सारे अपर रूप भी पड़े होंगे, तो वो सारी क्या होती है कार्बनिक रॉक्स जो होती है ना वो भी उसमें सम्मिलित हो जाती है कार्बन के सोर्स में, ठीक है। कार्बोनेट रॉक्स केम फ्रॉम एनिसेंट मेराइन प्लैंकटोन, देखो कोई टाइम में ऐसे घटनाएं पड़ते थे कि ये जो प्राकृतिक जो नेचुरल सोर्स हैं अपने ऊर्जा के, प्राकृतिक जो संसाधन है जो अपने प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है, जैसे जमीन के अंदर जो दबा हुआ पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी है, ठीक है, तो वो कैसे बना था कि मानो कि पहले वो सारी जितनी भी वनस्पति थी, ठीक है, वो वनस्पति क्या है कि जमीन के अंदर चली गई, ठीक है, जमीन में दब गई, और उसके बाद में क्या होता है कि वो उसके ऊपर धरातल का जो दबाव होता है, तो उस दबाव की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन के अंदर या फिर फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले की चीज़ें अपने पढ़ी है कि कैसे इसका निर्माण होता है, तो वो चीज़ें भी किस में आ जाती है, कार्बन के सोर्स होते हैं वो, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम जितना भी है वो सारा कार्बन का सोर्स हो जाता है, ठीक है। और एनिसेंट मेराइन प्लैंकटोन दैट संक टू द बॉटम, जितने भी जो समुद्र के जितने भी वो जितने प्लैंकटोन जिनको बोलते हैं ना वनस्पति जितनी भी थी वो सारी कहाँ दब गई, जमीन के अंदर दब गई, हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो दैट वर देन एक्सपोज टू दैट एंड प्रेशर, क्या है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए, तो वो भी कार्बन का सोर्स हो गए। कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल जो अवशेष जो होते हैं, फ्यूल जो ईंधन भी होता है, ठीक है, अवशेष जो दबने की वजह से बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है, सच एज पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सारी कार्बन ही है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन है, सीधी सी बात है, इनको जलाते हैं तो इनसे CO2 निकलती है, ठीक है। तो कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट, अपने क्या होता है नेचुरली देखते हैं ना कि जितनी भी एक ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं जाके अपने सीधे से बात करते हैं कि अपने फील्ड की बात कर लेते हैं, क्रॉप की, क्रॉप को जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद में उसका जो कृषि का जो अवशेष बचता है तो वो अवशेष कहाँ जाता है, सोइल के अंदर जाएगा, सोइल के अंदर जाएगा, मतलब अब देखो जो CHO जब मैंने बताया कि ये आधारभूत इसकी संरचना के पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
तो पौधा जो है वो कार्बन का तो बना ही होगा, वो कहाँ जाएगा? सोइल के अंदर जाएगा, और सोइल के अंदर जाएगा तो वो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कार्बन को यूटिलाइज करके उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। वो क्या कर देंगे, उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर सोइल के लिए बेहतर होता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन को बैलेंस रखता है, और नाइट्रोजन और कार्बन दोनों CN रेशियो जब बनता है तो वो क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिशन सप्लाई को स्टैंडर्ड रखते हैं, बढ़िया रखते हैं। तो उस चीज़ का ये पर्पज हो गया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल, माइक्रोबायोलॉजी की अपने बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आया, तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनका रोल किस में आ गया, कार्बन साइकिल में भी आ गया, इसी प्रकार नाइट्रोजन साइकिल में भी आता है। तो बहुत से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, उसको डिकम्पोजिशन का काम करेंगे, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, सोइल के अंदर कार्बन डेवलप होता है। कार्बन इज फाउंड इन द बायोस्फीयर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड ट्री, ठीक है। आप देखो बायोस्फीयर जो होता है, जो जैविक जैव मंडल है, जैव मंडल के अंदर किस में, देखो स्टोर्ड इन प्लांट, देखो कार्बन जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या करेगा, CO2 होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, CO2 जो होता है वो इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, क्यों, क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो किस में आ जाता है, कार्बनिक के अंदर। कोई भी चीज़ अकार्बनिक कब कहलाएगी, जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती है तो उसको कार्बनिक बोलते हैं। तो ये CO2 है, कार्बन तो है लेकिन कार्बनिक फिर भी नहीं होता, CO2 कार्बनिक फिर भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन होने के बावजूद भी इसको कार्बनिक नहीं बोलते, ये क्या होते हैं, अकार्बनिक कार्बन होता है, अकार्बनिक कार्बन, CO2 जो है अकार्बनिक होती है। फिर ये किस में बदल जाती है, अकार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाता है, CH में, कार्बनिक पदार्थ में। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है CO2 को लेता है, उसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में देखो C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको क्या बोल दिया, कार्बनिक पदार्थ। कोई कार्बनिक पदार्थ हो गया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। और ये सारे के सारे जब ग्लूकोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जब पौधे को जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, पौधे के जो रेजिड्यू होते हैं, जो अवशेष होते हैं वो जमीन में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज होता है, तो उसको डिग्रेड करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, तो वो डिग्रेड होते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो सारे के सारे किस में बदल जाएंगे, वो कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ होता है और वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर वो CO2 भी बना सकते हैं, उसकी कुछ भी घटना हो सकती है। तो डीकम्पोज होना मतलब उसका सेलुलोज को तोड़ के वो किस में बदल देता है, उसको कार्बन में बदल देता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या, कार्बन आल्सो फाउंड इन बायोस्फीयर स्टोर्ड इन प्लांट, प्लांट के अंदर हो गया, ट्री के अंदर हो गया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम में बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उसकी वृद्धि विकास के लिए सब चीज़ें चाहिए उसको, तो उसका पोषक भी उसमें बन जाता है, ठीक है, पौधे का, और अपना भी पोषक बन जाता है उसके अंदर, ठीक है, न्यूट्रिशन देता है ना पौधे, सबको ही देता है। कार्बन इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलीय क्षेत्र के अंदर, जलीय क्षेत्र के अंदर मतलब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कैसे कार्बन होता है, देखो CO2 गैस है, जल में भी घुली रहती है, हवा के अंदर भी घुली रहती है, ठीक है, हवा के अंदर और जल में सब जगह रहती है फ्री, जो इसके अंदर जो कार्बन जो होता है वो जो CO2 के फॉर्म में ही रहता है ना, तो CO2 वो कहाँ होती है, प्लांट, उस प्लांट में भी होती है, और जमीन के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, और हवा के अंदर भी है, सब जगह पे कार्बन है, सबकी जगह, सब जगह पे सोर्स होता है। तो यही अपने आप, ये सारे देखो, इन सबको अपने जोड़ देंगे तो वो कार्बन साइकिल बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर डिजोल्व इन ओशन वाटर, समुद्री पानी के अंदर CO2 रहता है, ठीक है, एंड लेक्स, CO2 समुद्री पानी के अंदर रहता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना वो समुद्र के अंदर भी होते हैं, प्लांट समुद्र के अंदर भी होते हैं, तो उनको फोटोसिंथेसिस चाहिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट का जहाँ भी नाम आ गया मतलब ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो भोजन बनाएगा तो सीधी सी बात है CO2 तो चाहिए चाहिए उसको। तो CO2 क्या करे, कौन ले लेता है उसमें से, समुद्र के अंदर पानी के अंदर जो घुलित CO2 होती है वो कौन लेता है, पौधा ले लेता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो धीरे वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, तो CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है समुद्र के अंदर। तो अब मछलियाँ जितने भी जीव होते हैं बाकी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के अंदर, तो उनको ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो जाती है। और कई बार ऐसी घटना होती है कि ऑक्सीजन कम हो जाता है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होने लग जाता है, उस वजह से क्या होता है वहाँ पे CO2 का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो BOD बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो चीज़ बढ़ जाती है उसके अंदर समुद्र के अंदर, तो वहाँ जलीय जीवों की
मौत होने लग जाती है। तो ये काम कौन करता है, इस चीज़ को बैलेंस करने का काम कौन करता है? देखो, पानी के अंदर भी पौधे ही उसके अंदर रोल निभाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर डिजॉल्व इन ओशियन एंड लेक, कार्बन इज यूज बाई मैनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सेल्स। कार्बन जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे समुद्री जीव होते हैं तो उनकी बॉडी बनती है ना, जो सेल उसके ऊपर जो खोल बनता है, कवच बनता है, तो उसके अंदर भी वो कार्बन होता है, और कार्बन की बनी चीज़ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। हल्का भी होता है, कोई भी चीज़ जो बनती है हल्की होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेराइन प्लांट्स यूज कार्बन फॉर फोटोसिंथेसिस, द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस बिकम फूड इन द एक्वाटिक्स इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र होता है जलीय, उसके अंदर जो काम करते हैं वो प्लांट करते हैं, ठीक है। वहाँ जो जलीय प्लांट होते हैं ना, उन्हीं पे बाकी जीव डिपेंड रहते हैं, तो ये सारा सिस्टम समुद्र के अंदर चलता रहता है, तो वहाँ भी CO2 घूमती रहती है, ठीक है। अब देखो, उसके अलावा क्या है, ह्यूमन बींग्स का भी रोल है, कार्बन को कैसे एटमोसफेयर के अंदर जनरेट कर देता है, देखो कैसे बना देता है कार्बन। देखो, ह्यूमन प्लेस कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि वो कैसे कार्बन को एटमॉस्फेयर में पहुंचाता है। डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ को काट दो, पेड़ काट देंगे तो जो CO2 वो लेके पौधे और उस चीज़ को वो फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करते हैं, तो वो चीज़ तो रुक जाएगी, और पौधे जब CO2 लेना कम कर देंगे तो बाकी जीव कौन सा CO2 को कंज्यूम करता है, तो बाकी तो कोई CO2 कोई किसी को पसंद ही नहीं है, दम घुटने लग जाता है, तो CO2 बढ़ने लग जाती है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, तो इस चीज़ का कारण भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। वुड का बर्निंग कर दिया, ठीक है, वुड का बर्निंग, कोई भी चीज़ जलाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं में क्या होता है, कार्बन, कार्बन होता क्या है, काला, तो वो क्या होता है, धुआं भी काला। अब उसके बाद क्या है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब जो फ्यूल होते हैं अपने जितने भी व्हीकल यूज़ करते हैं, तो सारे व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ ही है, कार्बनिक पदार्थ जलेगा तो कार्बन निकलेगा, तो वो गैस के फॉर्म में कार्बन निकलती रहती है और एनवायरनमेंट के अंदर CO2 बढ़ती जाती है। तो ये सारे कारण हो गए कि CO2 का मेन सोर्स कहाँ कहाँ से कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। अब इसके अंदर देखो, इसका साइकिल बता देता हूँ मैं, ये समझ लेना, थ्योरी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, थ्योरी तो तुम लोग कैसे भी लिख सकते हो कि पौधे CO2 के पहले सोर्स लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ से CO2 आती है, और उसके बाद में उसका साइकिल बता सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन लिख सकते हो। देखो, CO2 फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट लेगा, CO2 फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट ने ले लिया, और प्लांट का ही क्या होगा, प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो श्वसन के अंदर, सीधी सी बात है, सारे जीव हैं जो श्वसन करते हैं, तो श्वसन के अंदर प्रोसेस होती है कि O2 लेना, CO2 छोड़ना, तो प्लांट भी CO2 क्या करेगा, एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, पौधे के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो गया, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ बन गया, इसके अंदर क्या बन गया, कार्बनिक पदार्थ, इसमें इतना कार्बनिक पदार्थ बनता है कि अपना जीवन यापन करने के साथ साथ में दूसरे जीवों को भी दे सकता है, परोपकारी टाइप के होते हैं, ठीक है, परोपकार हो गया इनका। अब ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ जैसे कोई जीव ने खा लिया, ये कार्बनिक पदार्थ जो है वो कोई भी जीव खा लेता है, अपने ह्यूमन बींग्स ने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिया प्लांट को, ठीक है, तो वो कार्बनिक पदार्थ इसने खा लिया, अब ये क्या करेगा, ये कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाएगी, CO2, एनिमल्स से भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो वो CO2 छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है। अब जीवित रहेगा तभी श्वसन करेगा, और जीवित रहने के लिए उसको भोजन चाहिए, तो भोजन किससे लेगा, प्लांट से लेगा। अब CO2 वो कहाँ से ली गई, एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, और क्या हो गया, उसके बाद में जैसे ये जितने भी एनिमल्स और अदर एनिमल्स हैं, इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन की वजह से ये CO2 एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है इनकी श्वसन के आधार पे। फिर क्या होता है कि जैसे ये जीव मर गया, ये जीव मर जाता है, मरने के बाद में क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन, अपघटन होगा, अपघटन होगा तो वो क्या होगा, डेथ एंड डिकम्पोजिशन हुआ तो वो किस में बदल गया, कार्बनिक पदार्थ में बदल गया, वो किस में बदल गया, कार्बनिक पदार्थ, यानी कि कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद में क्या है, इसका भी डेथ हुआ, ठीक है, डिकम्पोजिशन का काम कौन करेगा, डिकम्पोजर का काम करते हैं माइक्रोब्स, डिकम्पोजर का काम करते हैं माइक्रोब्स, तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन की वजह से सारे किस्में कन्वर्ट हो गई है, कार्बनिक कंपाउंड के अंदर बदल गए, या फिर CO2 बनाने लगे, इसमें CO2 बन जाती है, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजिशन की घटना होती है, इसके अंदर भी जैसे CO2 जनरेट हो गई, या फिर कार्बनिक पदार्थ में ये बदल गए, ये सोई ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो ये भी कहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद में जैसे CO2 बनी डिकम्पोजिशन की वजह से, जैसे CO2 बनी तो CO2 कहाँ चली जाएगी, सोइल से एनवायरनमेंट में चली गई, ठीक है, सोइल से कहाँ चली गई, एनवायरनमेंट में
चली जाती है, ठीक है। तो सोइल के अंदर भी CO2 की कंसंट्रेशन होती है, वो भी इन्वायरमेंट से कम रहती है, ठीक है। तो CO2 सोइल के अंदर भी है और हवा के अंदर भी है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी घटना नहीं है। इसके अलावा और चीज़ भी अपने ऐड करने को तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपने कोई भी फ्यूल अपने काम में लेते हैं, ठीक है। फ्यूल की अपन ने बर्निंग कर दी, फ्यूल की बर्निंग कर दी, तो उससे भी क्या निकलता है, CO2, वो भी कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जैसे ये समुद्र का कोई भी स्तर होता है, ठीक है, समुद्र तल है, समुद्र तल है और ये एटमोस्फेयर होता है, ठीक है, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, इन दोनों इस भी इस एरिया के अंदर भी क्या होता है, CO2 रहता ही रहता है, समुद्र तल और एटमोस्फेयर के बीच में भी तो CO2 रहती है ना हवा के अंदर, तो वो भी देखो कि, और इसके बाद में क्या है कि समुद्र के अंदर भी, वाटर के अंदर भी क्या है, CO2 रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने इसमें इवेंट में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एटमोस्फेयर के अंदर ये जो CO2 रहती है, ये क्या करती है, पानी के साथ घुल के कार्बनिक, ये कार्बनिक अम्ल के रूप में कहाँ आ जाता है, समुद्र के अंदर वापस आ जाता है, और यहाँ से फिर वापस उड़ के कहाँ चली जाती है, एटमोस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो ये समुद्र का इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो ये जैसे अपन ने पढ़ा था उसी हिसाब से, जैसे रॉक्स है तो वो सोइल के अंदर ही है, तो सोइल के अंदर है तो सोइल के अंदर भी कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में रहता है, ठीक है। तो वो भी इन्वायरमेंट में चला जाता है, कैसे, डिकम्पोजिशन की वजह से, CO2 फॉर्म बनने की वजह से, गैस फॉर्म होगी तभी इन्वायरमेंट में जाएगी, अदरवाइज ऐसे तो उड़ के नहीं जाएगा, या तो धुआं बनेगा तब वो जाएगा, ठीक है, स्मोक बनेगा तो उसमें जाएगा, तो गैसेस फॉर्म होगी तो वो कार्बन वहाँ चला जाता है, फिर पानी के साथ में मिलके हाइड्रोजन से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बन के वो कहाँ आ जाते हैं, वापस सोइल के अंदर आ जाते हैं, प्लांट में हवा से, अब सीधा प्लांट में आ गया और सीधा सोइल के अंदर आ गया, और सोइल से कहाँ चला जाता है, वाटर, और वहाँ से कार्बनिक अम्ल बन के किस में चला जाता है, वाटर के अंदर भी चला जाता है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है, इसके बारे में लिख देना कि ये डायग्राम बनाना जरूरी है, अगर डायग्राम बनाना आता है तो इसमें थ्योरी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सोर्स कहाँ से आता है इसका, कार्बन का सोर्स क्या क्या है, कौन किसको कैसे कन्वर्ट करता है, उसके बारे में लिखना है, सिंपल है कार्बन साइकिल। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद आता है नाइट्रोजन साइकिल, इसमें देखो थ्योरी लिखने वाली कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, इसके अंदर थ्योरी की, इसमें थ्योरी अपने लिख सकते हैं, सिर्फ समझना जरूरी है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मेन सोर्स, जो नाइट्रोजन का देखो मेन सोर्स नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन सब में ही है, प्लांट में तो होगा ही होगा, बाकी जहाँ प्रोटीन का नाम आ गया ना, जहाँ प्रोटीन की अपन ने बात कर ली, तो प्रोटीन कहीं भी आ गया तो वहाँ नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। अब प्रोटीन किस में नहीं है, देखो सब जीवों में प्रोटीन तो होगी, लिविंग में तो, अब देखो लिविंग थिंग्स है उसमें सब में प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन होगा तो वहाँ नाइट्रोजन भी होगा, जैसे कार्बन होता है वैसे क्या हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन की कहानी होती है, ठीक है। अब देखो वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, अब वो 78% नाइट्रोजन इतना सफिशियंट है, देखो 78% नाइट्रोजन इतना सफिशियंट है कि वो भरपूर सोर्स है, और कोई सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और यही 78% घूम फिर के वहीं चली जाती है वापस। अब ये कैसे जाती है, देखो नाइट्रोजन का मेन चीज़ क्या होता है कि एक सीधा सा है कि नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस पड़ी है ना, कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन क्या करती है, एक प्रोसेस होती है इसके अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेती है जब बिजली चमकती है, बिजली चमकने का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बिजली का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा मिलती है, और जब ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉन की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे कोई अभिक्रिया का होना संभव हो जाता है, ऊर्जा के बिना कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, नाइट्रस का ऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्रस का ऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्रस का ऑक्साइड बनाते हैं, तो नाइट्रस का ऑक्साइड क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, ये किस में बदल जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो NO3 में भी बदल जाता है, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, इस प्रकार से वो नाइट्रिक एसिड में भी बदल जाता है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म बना लेता है नाइट्रेट के
बहुत सारे फॉर्म बना लेता है, वो आपस में पोटेशियम के साथ में मिलके पोटेशियम का नाइट्रेट बना लिया, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम का नाइट्रेट बना लिया, तो ये बहुत सारी फॉर्म बन जाती है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके हवा से कहाँ आ जाती है, ज़मीन के अंदर आ जाती है। और ये सारे एसिड जितने भी होते हैं ये बारिश के साथ में ज़मीन पर आ जाते हैं, ज़मीन पर आने के बाद में यानी कि हाइड्रोजन भी तो मिल जाता है ना पानी मिलने की वजह से, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। नाइट्रिक अम्ल बन के वो कहाँ आ जाता है, ज़मीन के अंदर आ जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो ज़मीन में आ गया उसके बाद की प्रोसेस कौन करता है, उसके बाद की प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद कौन करता है, बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सूक्ष्म जीव, वो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, इसकी फॉर्म चेंज कर देंगे। एक चीज़ और हो सकती है इसमें, देखो एक घटना और होती है कि नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है, NH3, वो क्या बना देता है, NH3 अमोनिया, क्या बना देता है, अमोनिया, जो गैस होती है, ठीक है, और वो क्या बन जाती है फिर, NH4, ठीक है, अमोनियम, वो क्या बन जाएगा, अमोनियम, NH4 बन गया, NH4 बन गया, वो जहाँ सोइल के अंदर आता है तो या फिर सोइल के अंदर ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया के अंदर बदल गया, ठीक है, और अमोनिया से वो किस में बदल जाता है, अमोनियम में बदलता है, और फिर किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में, किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में, और नाइट्रेट फॉर्म जो होती है प्लांट ले लेता है, अमोनिया जो अमोनियम फॉर्म होती है वो भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्लांट के अंदर चला गया, और प्लांट का जब डीकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी, सोइल के अंदर, और ये जो नाइट्रेट फॉर्म बन गई, इस नाइट्रेट फॉर्म को वापस अमोनिया या नाइट्रोजन में बदलने का काम कौन करता है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, विनाइट्रोजनीकरण बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब इसमें देखो सीधा सा, इसमें प्रोसेस देखो क्या है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहाँ आएगी, सोइल के अंदर आएगी, बता दिया कैसे, बारिश के पानी के साथ में आ गई, ठीक है। दूसरा, ये सोइल के अंदर आ गया, अब सोइल के अंदर आने के बाद में क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जब सोइल के अंदर आ जाती है तो उसके बाद का काम कौन करता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रो सोमोनास और नाइट्रो बैक्टर, ठीक है, इनका मेन रोल रहता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा और क्या होते हैं, एजेटोबैक्टर भी होता है, एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। उसके अलावा बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम जैसे कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीनाइट्रिफाइंग करते हैं, उसकी फॉर्म को बदल के वापस इन्वायरमेंट में भेजने का काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कई बार कि इन्वायरमेंट और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, कोई क्रॉप से संबंधित होते हैं, जैसे सोइल यानी कि कोई प्लांट में न्यूट्रिशन नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने का काम करते हैं, तो वो एजेटोबैक्टर, राइजोबियम लेग्यूम में होता है, जैसे ये ग्रेमिनी के अंदर होता है, ग्रास फैमिली के अंदर होता है, और ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये भी फ्री लिविंग होते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं, बाकी सबका रोल रहता है, ज़्यादा रोल किसका रहता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में बदल के उनको पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसमें जितने भी माइक्रोब्स बैक्टीरिया काम आते हैं वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को किस में बदल देंगे, जैसे HNO3 के फॉर्म में आ गया, HNO3 को तोड़ के इसने बना दिया NH4 अमोनियम बना दिया, फिर इसको बना दिया नाइट्रस का ऑक्साइड बना दिया, नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर ये किस में बदल गया, नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रिफिकेशन हुआ किस में बदल गया, नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। ये दोनों होता है, देखो नाइट्रेट से नाइट्राइट ये बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रेट बन जाता है। ये जो अमोनिया होती है ये अमोनिया भी किस में बदल जाती है, नाइट्रेट के अंदर। बस ये जो बीच का रोल है ना इसी के आधार पे काम चलता है।
अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो इसकी फॉर्म भी चेंज नहीं होती, ये जो इनकी बैक्टीरिया नहीं होते तो इनकी फॉर्म भी चेंज नहीं होती, तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इनका पढ़ना जरूरी होता है। ये माइक्रोब्स का क्या रोल रहता है, ठीक है, माइक्रोब्स की वजह से ही सारी ये जो फॉर्म होती है चेंज हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ये नाइट्रेट हो गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रेट का क्या होता है कि नाइट्रेट जो फॉर्म होती है पौधे को जितनी जरूरत होती है उतना ले लेता है, पौधे को जितनी जरूरत होती है उतना ले लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, ये नाइट्रेट जो होगी जो एक्स्ट्रा जो बचती है वो क्या करेगा, लीचिंग से या फिर सोइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बची हुई जो नाइट्रेट होती है, जो बची हुई नाइट्रेट जो नाइट्रेट होती है उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको किस में बदल देते हैं, वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है, वो चलता रहता है, ठीक है। ये जितने भी प्लांट्स एनिमल्स जिनके अंदर सब में नाइट्रोजन होता है, ये जब भी सोइल में जाएंगे तो इनका डीकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, कार्बनिक पदार्थ में बदलेंगे, तो इसमें भी जो नाइट्रोजन होती है वो इस फॉर्म में घूमती रहती है। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इस प्रकार से चलता रहता है, टोटली जो डिपेंड रहता है सोइल के अंदर वो जो साइकिल वो किस पे रहता है, माइक्रोब्स के ऊपर। तो ये सिंपल सा है, इसमें लिखने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इसको किस में कौन किस में बदलता है, नाइट्रोजन थी नाइट्रोजन वो HNO3 या फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में सोइल में आती है, सोइल से वो किस में अमोनियम और नाइट्रस के ऑक्साइड इसमें बदल जाती है और फिर नाइट्राइट में बदल जाती है, ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट में और नाइट्राइट से किस में नाइट्रेट में बदल जाती है, किस में बदल गई नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल जाती है, और फिर नाइट्रेट से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसको बदल देते हैं, अमोनिकल फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म से सीधा किस में सिंपल के अंदर बदल देता है नाइट्रोजन के, यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर बदल देगा। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है। दूसरी चीज़ लिखो तो क्या हो गया, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इनका डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन होने की वजह से इनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फॉर्म बनाते, उसकी क्या फॉर्म बना देते हैं डीकम्पोजर नाइट्रेट में, और डीनाइट्रीफाइंग फिर वापस इसको नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं। तो ये सिंपल सा लाइफ साइकिल है, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है इसके अंदर। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा सोर्स 78% नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर होती है, और जो कैसे बदल के कैसे आती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो विद्युत तड़ित चमकने की वजह से, बिजली के चमकने से वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है, और नाइट्रोजन जो ह्यूमिड कंडीशन होती है, मॉइस्ट कंडीशन होती है ना, मॉइस्चर यानी कि हवा के अंदर नमी रहती है, तो उसमें हाइड्रोजन होगा, नमी होगी तो H2 है, तो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना देती है, अमोनिया बना देती है, अमोनिया जो गैस होती है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो पानी के साथ में मिक्स होकर वापस कैसे क्या बन जाएगी उसका, NO2 या फिर नाइट्रिक एसिड बन गया, ठीक है, कोई भी नाइट्रिक अम्ल बन गया, और वो वापस कहाँ जाएगा, ज़मीन के अंदर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका साइकिल होता है, बस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद में अपना एक सल्फर का साइकिल है और एक फास्फोरस का है, तो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।